मराठी पत्रकार संघ में अखिल भारतीय वीरशैव लिंगायत महासंघ की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता की अगुवाई डॉक्टर विजय जंगम उर्फ स्वामी जो कि इस अखिल भारतीय वीरशैव लिंगायत महासंघ के प्रवक्ता भी हैं, उनका कहना था कि गौर कीजिए कि जो पॉइंट्स निकाले थे एक्चुअली ये पॉइंट्स प्रशासन पुलिस प्रशासन का काम है कि आप इस विषय पे इन्वेस्टिगेशन कीजिए। पूरी तरह से लीगली पॉइंट्स यहाँ पर है। दूसरा, आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है वो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी यहाँ पे जो है वो उसमें बहुत सारे लूप होल्स छोड़े गए हैं। जैसे कि एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने स्पष्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा है कि इस लड़की का मृत्यु पानी में डूबने से हुआ है, लेकिन हमारी ये तो मांग कहना है कि शायद इस लड़की की मृत्यु पानी में ज़बरदस्ती डुबाने से भी हो सकती है। और इन्होंने स्पष्ट कहा लिखा है उसमें कि 24 घंटे से ज़्यादा ये बॉडी पानी में थी, लेकिन आप सभी को पता है कि 24 घंटे से ज़्यादा अगर बॉडी पानी में रहती है तो उसका पूरा शरीर फूल जाता है, सड़ जाता है। ऐसे कोई भी मार्क्स, ऐसे किसी भी प्रकार का शरीर उस परिस्थिति में नहीं मिला। तो एक ही इसमें अलग अलग कमेंट उसमें दिए है, राइटिंग में दिए है, तो हॉस्पिटल प्रशासन भी यहाँ पे कुछ दोषी है क्या? वहाँ पे जो कंपनी में काम करने वाले जितने भी संशयित आरोपी है पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई की, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उसी के ऊपर उन्होंने 176, 34 और 306 के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की और उस लड़की ने सुसाइड किया ऐसे उन्होंने कहा गया है। तो हमारी ये मांग है कि ये सुसाइड नहीं है, ये साजिश करके की हुई हत्या है। ये 6 के 6 आरोपी जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी के मालिक की गाड़ी इस घटना में यूज़ की गई है। अभी तक वो गाड़ी पुलिस ने हिरासत में नहीं ली है। उसके बावजूद जिस कंपनी में ये सारे लोग काम कर रहे थे उस कंपनी व्यवस्थापन और कंपनी मालिक की कोई भी पूछताछ आज तक पुलिस ने नहीं की है। तो इस सारे मामले में एक अलग कुछ ना कुछ है, इसका सूत्रधार कोई अलग है, ऐसी भी शंका हमें आ रही है। अभी आज हमारा 7वां अनशन का दिन है। आज हमने 19 तारीख को अनशन शुरू किया है, आज 7वां अनशन का दिन है और इस अनशन को सपोर्ट करने के लिए पूरे राज्य से लोग आ रहे हैं। अलग अलग राजकीय पक्ष है, राजकीय संगठना है, सामाजिक संगठना है और वहाँ के जो लोकल MLA है संजय राव जी कदम वो भी वहाँ पे आ गए हैं, भास्कर राव जी कदम है वो भी वहाँ पे आ चुके हैं, प्रांत अधिकारी आ गए हैं, तहसील आ गए, सब लोग आ गए। लेकिन अभी तक दुर्भाग्य से वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है SP वो अभी तक उनको आने की फुर्सत नहीं मिली। कल वो पूरे दिन शाम को वहाँ पे थे लेकिन बिल्कुल उन्होंने जो आंदोलन करता है उनकी भेंट नहीं ली है और जिलाधिकारी जो वहाँ के कलेक्टर है वो भी नहीं वहाँ पे आए हैं और जो वहाँ के लोकल MLA है उन्होंने हमें आश्वासित किया है कि आने वाले अधिवेशन में इस मुद्दा जो भी उनके पास एविडेंस है ये लेके मैं विधान भवन में इसका आवाज़ उठाऊँगा और आपको न्याय दिलाने के लिए मैं पूरी सहायता करूँगा, ऐसे उन्होंने आश्वासित किए। इसी के साथ जो शिवसेना के पर्यावरण मंत्री है माननीय रामदास भाई कदम, इन्होंने भी हमें आश्वासित किया है ये पूरा मुद्दा मैं खुद इसकी बारकाई से जांच करवाऊंगा और जितने भी आरोपी हैं उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा हो जाए इसके लिए मैं खुद प्रयत्नशील रहूंगा, ऐसे माननीय रामदास भाई कदम और उनके भाई सभापति चंद्रकांत कदम इन्होंने भी हमें आश्वासित किया है। कैमरामैन वैभव के साथ विक्रम सिंह पुंडीर SCN TV न्यूज़ मुंबई।